जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शनिवार को नई दिल्ली में होने वाली बैठक पर देश भर के राजनेताओं की नजर है। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक होगी। इस बैठक में शामिल होने के लिए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत पार्टी के तमाम सीनियर लीडर शुक्रवार को ही दिल्ली पहुंच गए हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 परिणाम की समीक्षा के अलावा 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी और अन्य संगठनात्मक विषयों पर चर्चा होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। इससे पहले पिछले साल 29 दिसंबर को जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी दिल्ली में हुई थी, जिसके बाद पार्टी की कमान राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के हाथों से लेकर नीतीश कुमार को सौंप दिया गया था। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लोकसभा चुनाव परिणाम की समीक्षा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कई महत्वपूर्ण संगठनात्मक फेरबदल के भी फैसले लिए जा सकते हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि राज्यसभा में जेडीयू संसदीय दल के नेता संजय कुमार झा को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि जेडीयू के ब्राह्मण चेहरा और मिथिला क्षेत्र के दिग्गज संजय झा नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में शामिल हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के साथ जेडीयू के आने में संजय झा की भूमिका महत्वपूर्ण थी। नीतीश के भरोसेमंद होने के कारण ही उन्हें राज्यसभा में जेडीयू का नेता बनाया गया है। वो पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने हैं। चर्चा यह भी है कि नीतीश कुमार नालंदा से आने वाले मनीष वर्मा पर भी कुछ बड़ा निर्णय ले सकते हैं। जनता दल यू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में महत्वपूर्ण है। उसकी कार्यसूची तो राष्ट्रीय पदाधिकारी तय करेंगे, लेकिन इतना महत्वपूर्ण बैठक जरूर है कि जो इंडी गठबंधन के घटक दल थे, खास करके राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव यह दावा कर रहे थे कि जनता दल यू का वजूद खत्म हो जाएगा तो हम 12 सीट चुनाव जीते और एनडीए 30 सीट चुनाव जीता, तो निश्चित रूप से हमारे लिए असाधारण उपलब्धि के प्रति माननीय मुख्यमंत्री पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको आभार व्यक्त करना, साथ ही साथ जो 2025 की जो हमारी चुनावी रणनीति होगी विधानसभा का, उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करके और पार्टी का सरकार में शामिल होना, ये ऐसे एक महत्वपूर्ण कारक हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी पर कार्यकर्ताओं का भरोसा और दिल उनका जीतने का प्रमाण है, तो निश्चित रूप से इसके प्रति आभार व्यक्त करेंगे। जेडीयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बताया कि दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के साथ साथ संगठन में और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की जाएगी, लेकिन कौन कौन से बिंदुओं पर चर्चा होगी इसके बारे में राष्ट्रीय नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बेहतर तरीके से बता सकते हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।